हाँ हम लोग कपल ही है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है अब तक तो, एटलीस्ट अब तक। बट ते को क्या लगता है? मेरे को पीने टाइम, पानी पीने का टाइम मिला तेरे को लगा? मैं बोलना चाहती थी, प्यार ने ऐसा बोला ना क्यों, मेरे को ऑकवर्ड सी लगा। वो आप अंदर लेके आऊंगी तो भी मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी इसे। प्योर वेजिटेबल। हाँ, इतना प्यार मिला हमको अहमदाबाद की पब्लिक से, इतना प्यार मिला ना कि kamleshmodifoodie.com અત્યાર સુધીમાં 1900 વિડીયો બનાવ્યા છે અને 1900 વિડીયોમાં એક આજે એક નવો વિડીયો છે કે જે સ્પેશિયલ મને તો બહુ ગમ્યું હતું। કાલે હું પોતે અહીંયા ટેસ્ટ કરી ગયો, પહેલાં જોયું કે ભાઈ ઈંડા બિંડા છે કે નહીં, પહેલાં એવું કંઈ છે નહીં, વેજીટેરિયન પ્યોર વેજીટેરિયન। પહેલાં તો દીપુભાઈ મને એ કહ્યું કે કઈ જગ્યાએ આપણે આવ્યા છે, બધા જગ્યાએ ખાવા સેફ યુનિવર્સિટી જોવાય, સેફ સેફ યુનિવર્સિટી સેફ, હા કસ્તુરભાઈ લાલજી કેમ્પસ છે ને એમની એક્ઝિટ સામે ચાલે બબલ પોપ અને પેનકેક, એટલે પેનકેક એટલે તવા ઉપર કેક બનાવે, તવા ઉપર કેક, આમ તો ઓલું ઓલામાં કેક બને ને આ કે અલગ ને, હા અલગ કોન્સેપ્ટ છે આપણો। કાલ તો આપણે ખાઈ ગયા, કાલ કઈ ખાધી હતી આપણે? ઓલી ચોકલેટ વાળી ખાધી હતી ને, હા કઈ ખાધી હતી જો, એક ઓલી બધી અલગ અલગ હતી મેનુ, ઓલી બાજુ છે મેનુની અંદર એટલી બધી અલગ અલગ હતી ને એમાંથી કઈ ખાવીને કઈ ખબર નથી પડતી, કાલે ખાધી હતી ને એ કઈ ખારી હતી। નમસ્તે નમસ્તે, આજ ક્યાં ખિલાવી? કલ તો મેરે કો આજ બઢિયા ખિલાયા થા, ક્યાં ખિલા? સ્ટ્રોબેરી, આ સ્ટ્રોબેરી, ઓર આપકો કેસા વાલા ખાના હૈ? એક કલ તો ખાયા થા, વો કોન સા ખાયા થા? વો कल वो स्नोवी हिमालया था, मतलब वो पूरा व्हाइट चॉकलेट मिल्क फ्लेवर का। अच्छा, तो आज कौन सा खिलाओगे? तो आज चॉकलेटी हेवन ले लो, आपने उस दिन चॉकलेटी हेवन लिया नहीं ना? चॉकलेटी हेवन नहीं, हाँ तो आज चॉकलेटी हेवन, ये चॉकलेटी हेवन है। अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, सबसे ज्यादा ये लोगों को लेते हैं कि ये सेफ है, मतलब ये चॉकलेट। मैं तो हमेशा लोगों को ऐसे बोलते हैं कि आप पहली बार आई तो आप चॉकलेट ही हेवन खाना ही चाहिए, क्योंकि आप चॉकलेट में ही जज कर सकता है ये जगह अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ बेचते हैं। क्या बात, हाँ चॉकलेट एक बेसिक फ्लेवर है ना जो सब जगह में मिलता है, अगर वो जगह चॉकलेट बेकार बेचता है तो आप वहाँ पर जाना ही मत दूसरी। हाँ, अरे खास तो आप बोल रहे हो तो उसकी इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, काफ़ी लोग बोले कि इसमें एक आते तो आप एक के बिना कैसे बना सकते हो, वो फ्लोपी कैसे होता है? एक एक के बिना तो देखो, जैसा बहुत मेरे जैन का कस्टमर भी बोल रहे हैं, मैंने उस दिन भी मतलब काफ़ी लोग डालते हो, वो इंग्रेडिएंट्स बता दोगे? हाँ, तो बेसिकली क्या है ना, ये एक हमारे होम मेड हाउस मेड मिक्स है, ये हमारा स्पेशल पैनकेक मिक्स है। वो सेलिंग करते भी नहीं करते? नहीं करते वो, वो बिल्कुल भी नहीं करता वो, तो मतलब हमारे टीम में भी बहुत कम लोग पता है एक्सेप्ट फॉर मी। सीक्रेट? यस, इट्स अ सीक्रेट रेसिपी। अच्छा, अभी ये सीक्रेट लोगों को भी पूछते हैं कि सीक्रेट में क्या है, तो मैं बोलता है एक सबसे पहले ये छाछ है, छाछ की जगह वी डोंट यूज दूध, पहले तो लोग दूध यूज करते आप छाछ। हाँ, तो क्योंकि छाछ एक एसिड है जिसमें से वो लीफलिंग ज्यादा दे देंगे कंपेयर टू दूध, दूध एल्कलाई है, दूध में तो क्रीम रहता है। हाँ, वो इतना फ्लफी नहीं करते जितना छाछ खाते हैं। अच्छा, ऐसा क्योंकि वो एसिड होता है, ये छाछ है, ये छाछ है। अच्छा, हाँ
और लोगों का एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि हम छाछ हम पैसा बजाने के लिए इसलिए छाछ यूज करते हैं, पर हाँ जो लोग बेक करते हैं उन लोगों को पता चल जाता है एसिड और अल्कलाई में क्या फर्क पड़ता है, काम क्या काम करता है बेकिंग में, ऐसा तो है थोड़ा वो काफ़ी फर्क होता है, तो यही है। नहीं खावानी सिस्टम में भी है कि तुम्हारे ते एकड़ी मेनू में लखावानो પછી ત્યાં એકડી ઓર્ડર આપવાનો પછી यहां पे चिट्ठी हो जाती है ना आपकी कौन सा ऑर्डर यहां पे आ जाता है। हां जी हां जी वो ओके केओडी बोलते हैं किचन ऑर्डर टिकट। अच्छा हां यहां पे 30 मिनट तो लग 20-15 मिनट तो लगता ही है। अभी जैसा अभी वेटिंग चल रहा है मेरे पास अभी 10 ऑर्डर है। 10 ऑर्डर है? हां हां 10 ऑर्डर है तो अभी वेटिंग है 25-30 मिनट एटलीस्ट ऑन अ सेफर साइड। मतलब हम तो ऐसा नहीं बोलना चाहती कि आपको बोल दिया फिर इससे ज़्यादा टाइम लगा दिया तो आपको भी मेरे नहीं मज़ा आए। अच्छा ऐसा हमारा बिजनेस का फंडा ये है ऑनेस्ट जो भी है हम यूज़ करते हैं। मैं ऐसा फालतू की तरह मैं नहीं बोलता है कि यह दूध है ऐसा छाछ है जो छाछ है किसके वजह से मैं आपको बता देता हूँ ऐसा। तो आप दो की जोड़ी कैसी हुई? जोड़ी मतलब नहीं समझा मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं है आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करो मैं हिंदी में। आप कहाँ आप हांगकांग से? हाँ और मैं हांगकांग से। भाई वो गोवा से है। हाँ वो गोवा से। हाँ तो जोड़ी कैसे रब वो फैन गोवा से हो। अच्छा हाँ तो एक्चुअली बेसिकली हम क्या बोलो वो where did we meet? नहीं नहीं तो सीक्रेट तो रहने दो। It's no longer a secret. We met online. अच्छा. Yeah, we met online. Okay. ऐसा बहुत लोग ने क्या online के एक ऐसा understanding लेके लगता है कि हाँ you know गंदगी का चीज़ होता है. तो हमारा तो एकदम coincidence था ऐसा जो हमारा intention वो ही नहीं था और हम दोनों मतलब ऐसे ही मिले. तो it was a really huge coincidence ऐसा very long story. फूड का बिजनेस कैसे आ गया? फूड का बिजनेस ये फूड का बिजनेस कैसे आ गया? बिजनेस कैसे आया? मम्मी ना मीन साहिज मदर मम्मी मीन्स माई मदर इन लॉ सो होल्ड ऑन माई मदर इन लॉ शी हैज़ बीन इन द फूड इंडस्ट्री लाइक द फैमिली हैज़ बीन इन द फूड इंडस्ट्री सिंस ईयर्स 30 years 2000 से ऐसा 1990s में से चालू किया था केटरिंग एंड ऑल दैट ऐसा तो धीरे धीरे उन्होंने शिफ्ट किया हुआ केटरिंग में धीरे धीरे बहुत सारे बिग ऑफिस उन्होंने पहले टाटा का केटर टाटा का एक पूरा कैंटीन पूरा ऑफिस का कैंटीन संभालते हैं दो दिन ऐसा बड़ा ऑफिस का कैंटीन संभालते हैं। बाद में उन्होंने गांधीनगर में शिफ्ट किया हेड क्वार्टर्स तो उन्होंने फूड बिजनेस चालू कर दिया अपने हाँ तो ये जो ऑरेंज कलर है ना आंटीज ढाबा दैट्स माय मदर इन लॉ। अच्छा वहाँ पे क्या बनाते हैं? वहाँ पे चाइनीज और पंजाबी है। अच्छा उनके काफ़ी साल से है उनके तो 20-25 साल के बिजनेस है। थैंक यू। तो अभी मेरे को क्या खिलाओगे? चॉकलेट वाला चॉकलेटी है बन स्ट्रॉबेरी आपको दो खाना है? दो खाना है मेरे को। हाँ तो रेड वेलवेट खा लो। कौन सा? रेड वेलवेट ओरिजिनल रेड वेलवेट। ओके हाँ तो ये इडली आप घर पे ही बनाते हो? सब मिल जाता है यहाँ पे इंडिया में मोस्टली सब mostly. मिल जाता है इधर? हाँ मिल जाता है ये सब इंग्रेडिएंट्स। जैसा ये चॉकलेट है हम गुड़गांव से मंगाते हैं। अच्छा क्योंकि ये जो थिकनेस और ये जो साइज है ना जो हमारे पैनकेक में फिट हो रहा है कहीं और जगह नहीं है। अच्छा। गुजरात में तो नहीं है एटलीस्ट तो ये गुड़गांव से मंगाते हैं। आज से बदू इंडा वगैरह मुझे प्योर वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन ना प्योर वेजिटेरियन। और एक डायलॉग बोल दो ना आप वो डायलॉग वो मैं बोलना चाहती थी आपने ऐसे बोला ना मैं को ऑकवर्ड सी लगा वो आप अंदर लेके आऊंगे तो भी मैं नहीं खाऊंगी। हाँ। मैं नहीं बनाऊंगी इसे प्योर वेजिटेरियन। हाँ मतलब जैसा मैं हमेशा बोलते हैं बहुत लोग ने पूछते हैं कि उन्होंने एक बाइट खाने के बाद वो सॉफ्टनेस है सरप्राइज हो गया। मतलब मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ ऐसे यह सच है। रोज एक तो और कस्टमर ऐसा मिलता है कि खाने के बाद एकदम से शॉक हो गए मेरे को पूछते हैं कि ये अंडा तो नहीं है अंदर तो मैंने बोला नहीं है अंडा क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं। पूछ के खाते हैं। हाँ फ्रूट भी तो उन्होंने खाने के बाद मतलब दो चम्मच लेने के बाद पूछते हैं कि क्योंकि इतना सॉफ्ट है इसे हमको पूछ रहे हैं ऐसा
तो मेरे को भी ऐसा सेटिस्फाइड हमने सही काम कर रहे हैं, मतलब यू नो कि हमने वो डायरेक्शन सही जा रहा है। चीनी का शुगर का पानी है ना? नहीं नहीं, ये नॉर्मल पानी है। शुगर पानी से क्या बोलते हैं वो जलता है ज्यादा है। अच्छा, तो ये दिस इज जस्ट देखो जैसा ये ना, ये एक क्रस्ट है, तो ये क्रस्ट सॉफ्ट करने के लिए हम पानी डालते हैं, एक थिन लेयर पानी। हाँ, तो ये ड्रिंकिंग वाटर है, डोंट वरी। ड्रिंकिंग वाटर, ये हाँ ये बॉटल पानी है। ये गर्म करेंगे तो फिर और ज्यादा जल जाएगा शुगर के लिए। इसको शुगर का पानी नहीं डालना है? शुगर का पानी नहीं ना? नहीं नहीं, अगर मैं शुगर पानी डाल देंगे फिर हल्दी मारेंगे ना तो वो शुगर पूरा जलेगा, तो ये केक साथ में जलेगा। ये पैन केक है। आपका ये तवा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और कम नहीं गर्म होना चाहिए। अच्छा। ज्यादा गर्म है ना तो बाहर पकता है, अंदर खच्चा है। अगर कम है ना तो पूरा अंदर से बाहर खच्चा रहता है ऐसा। अरे इसके ऊपर चॉकलेट आएगी। हाँ, चॉकलेट फिलिंग, ये चॉकलेट फिलिंग बोलते हैं। अच्छा, तो ये पूरा स्लैब ना, तब मैं ये पैनकेक का लेयरिंग करूँगी ना, तो वो तब मैं पूरा पैनकेक फल्दी मारूंगी ना, तो ये अंदर तब आप खाते वक्त ना आप पैनकेक को खोलेगा ना तो अंदर मेल्ट चॉकलेट आएगा, जैसे लावा जैसा पिघल जाएगी उस। हाँ, अंदर मेल्ट होगा। तो ये जो चॉकलेट का क्वालिटी और साइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसा अगर मैं लोगों पूछ रहे हैं, लोगों ये भी पूछ रहे हैं कि कैडबरी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। कैडबरी उसका अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूरा कोकोआ नहीं है, अंदर कुछ एंटी केकिंग एजेंट है, ऐसा कुछ अलग अलग चीज़ है जो मेल्ट नहीं होता है। मैं अंदर कैडबरी डाल देता ना तो या तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना मोटा है और प्लस उसका अंदर कुछ और है इसलिए वो मेल्ट नहीं करता है अच्छा से। ठीक है, અમારે તો રેડી હો રહે મને પણ હિન્દી બોલાવ ઈચ્છા થઈ જાય, કારણ કે આપણે તો રહ્યા ગુજરાતી પણ પછી જ્યારે હિન્દી આવું લેટ મી નો આઈ એમ ડુઇંગ લાઈક હિન્દી બરોબર તો આવે તો હે ને સબ કોન્શિયસ ચાલશે બહાર નીકળે તો થોડું બોલવું પડશે ને 100% હિન્દી શીખવું જરૂરી છે પણ જો કે આપણે ના આવડે તૂટેલું ફૂટેલું બોલી તો જાણે વાંધો નહીં આવે તો ઉસમે તો આપણે ચોકલેટ ડાલા ઇસમે ક્યા ડાલા હા યે રેડ વેલ્વેટ હે રેડ વેલ્વેટ કે અંદર વ્હાઇટ ચોકલેટ આયેગા વ્હાઇટ ચોકલેટ હા तो देखो तब मैं ये ऊपर का लेयर डालूंगी, मैं अच्छा से उसको बंद कर दूंगी। तो ये बंद करने को भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि वो तब अंदर से पकते ना वो मेल्ट होने के बाद वो लीक हो जाता है, क्योंकि वो लिक्विड हो जाता है ना। अच्छा, तो वो लीकेज होगा ना तो वो जलेगा, वो चॉकलेट जलेगा। स्लो करते हो ना? स्लो, ये स्लो ही है, स्लो ही है। देखो अभी स्लो ही है, देखो ये आपका ये चॉकलेट ऑलमोस्ट पक रही है, रेडी है। हाँ ऑलमोस्ट, और एक मिनट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरे को? यही ना जो तेरे हाथ में। हाँ, सी फॉर ખાસ તો આપણા વિડીયો જોયો છે ને દીપુભાઈ, આજ કહે છે કે આજે જ્યાં આપણે વિડીયો કરેલ ત્યાં લગભગ વાંધો નથી આવતો, બધી જગ્યાએ મળે ને, બધી જગ્યાએ બધા લોકો પ્રેમ મળી જાય છે, આવો તો અમને પણ ઓળખી જાય છે, એક્ચ્યુઅલી મેં પહેલા અમને જોયા હતા। અચ્છા, દીપુભાઈ હા, આપણા રાજભાઈ, રાજભાઈ સ્પેશિયલ નારણપુરા થી ક્યાં થી આવ્યો? નારણપુરા। શું વાત છે, મજા આવી વિડીયો જોવાની? જોઉં છું, હા શું વાત છે, વાહ। तो क्या होगा ना कि सबका कस्टमर एक यूनिफाइड एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, कि उन्होंने आप लोग सब लोग सेम पैसा दिया ना तो सेम ही खिलाना, सेम ही खिलाना। तो ऐसा कल उठ के अगर मैं दूसरी जैसा स्टाफ के लिए भी इजी है ट्रेनिंग। अच्छा। के लिए हाँ, कि ऐसा जैसा है आपको मैकडोनल्ड्स में जाओ तो सब लोग का बर्गर तो एक ही साइज एक ये सेम। अच्छा, सेम थियोरी है उसमें। ये शुगर वाला पानी की ये भी नॉर्मल वाटर? नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो भी नॉर्मल वाटर। हां, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर, डोंट वरी। अच्छा, और ये क्रीम? दिस क्रीम इज फॉर गार्निशिंग, तो जो भी आप ऑर्डर करोगे ना थोड़ा क्रीम के साथ तो आता ही है। अच्छा, उसके ऊपर चॉकलेट आएगी? तो ये चॉकलेट ही हेवन है, तो अंदर है चॉकलेट फिलिंग बट ऊपर है न्यूट्रेला और चॉकलेट चिप्स। न्यूट्रेला, और आपके लिए मैं एक्स्ट्रा व्हिप क्रीम डलवा दूंगी। डन,
व्हिप क्रीम एक्चुअली मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूं, व्हिप क्रीम तो सब लोग खाते हैं, सब लोग को अच्छा लगता है। गुजराती लोग मीठा खाना पसंद। और मेरे एक बात बता दीजिए, ये पैनकेक है तो ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही लोग खाते हैं ना? हमने ना विदेश आउट ऑफ कंट्री में एक स्टेपल ब्रेकफास्ट ही है। अच्छा, मतलब बेसिकली वेस्ट में एक स्टेपल ब्रेकफास्ट ही है, स्टेपल ब्रेकफास्ट ही। बट सिचुएशन ये था कि जब हमने खोला था ना सुबह में तो कोई आया नहीं, कोई आया सब मैगी और डोसा ही खा रहे थे। अच्छा, तब हमें लगा कि नहीं अगर इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके स्वीट बना दे तो अहमदाबाद में प्रेफर करेंगे ही करेंगे। अरे उसके ऊपर आपने वो चॉकलेट का चीज डाल दिया और क्रीम रेडी। सो अगर आप देखें ना तो हम हर एक चीज़ पर इतना फोकस करते हैं, जैसे जो कटलरी भी है, ये एरिका हाँ, वो प्लेट्स है। वो भाई मेरे को कल बोल रहे थे ये भी विदेश से लेके आए क्या? नहीं नहीं नहीं, ये बोला ये तो यहाँ से नहीं, नहीं ये तो रिसेंटली अभी इधर से मिलता है और ये रिसाइकल वाला। ये दो बार प्लास्टिक बैन होने के बाद ना फिर ये अभी रेगुलरली हो चालू किया लोगों को, सब जगह में मिलता है। तब प्लास्टिक बैन मतलब मैं 6 साल के पहले, तब हमने आधा साल चालू किया ना, तब हमने ये यूज़ किया पहले से स्टार्ट। अब मेरे इंस्टाग्राम में देखूंगी ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक ही झूठ मैं नहीं बोल रही, एक भी झूठ नहीं, 100 झूठ बोलेंगे, 100 झूठ नहीं। बट हम कैसा है ना, एक एक ये परसेप्शन है कि यार रोड पर खाने निकले तो ऐसा ही मिलेगा। बट हमको ये परसेप्शन चेंज करना था कि रोड पर भी आप एक आर्टिसन अप्रोच रख सकते हैं, एक प्रीमियम अप्रोच रख सकते हैं। मैं सबको ये बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ यूनिक करिए तो यूनिक लोग आएंगे खाने के लिए। और पॉइंट ये ना, अगर आप देखें ना सारे जो क्लाइंटल्स देख रहे हैं ना आप, तो आपको एक ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि गुजरात अहमदाबाद में लोग बहुत वेलकमिंग है नए आइडियाज़ को लेकर। स्पेशली आप जब फूड थोड़ा सा फ्यूजन करके दोगे ना तो पीपल आर वेरी हैप्पी। अब हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम वो ही खिलाएंगे जो हम खाना चाहते हैं। क्या हुआ? सो अगर मैं आज रोड पर जाकर अगर मुझे कोई एरिका प्लेट्स में और बैम्बू फोक्स और नाइफ्स में मिल रहा हो कुछ खाना, तो आई वुड ऑलवेज हैव अ वेरी यू नो एन इमेज के नहीं यार ये लोग ध्यान देते हैं अपनी चीज़ों पर। सो हम वही रखना चाहते हैं कि अब कोई नोटिस करे ना करे, ये छोटी सी चीज़ है, जिसको आइडिया है, जिसको आता है वो ही नोटिस करेगा। बट अगर किसी को जो नोटिस कर भी लेना, एटलीस्ट उनको ये चीज़ अच्छा फील होगा कि हाँ यार हम ध्यान रख रहे हैं छोटी सी छोटी चीज़ों में। उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी आएगी। हाँ, थैंक यू सो मच, प्लेजर। आकर फिर हम लोग आपको ऑनलाइन नॉन स्टॉप देख रहे थे। दृष्टि आपका बहुत बड़ा फैन है। उसकी मम्मी नहीं, इनफैक्ट कल जब भी आप आए ना तो उन्होंने बोला आप जानते हो कौन है। तो अब सिचुएशन ये होता है कि इतना हमें आइडिया नहीं होता। कल मैं टेस्टिंग के लिए आया था कि आप ये कैसा लग रहा है, ये बिना अंडा का है, अंडा नहीं है वो भी मेरे को, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरे देखना हुआ मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन। दुबई भी गया और थाईलैंड में भी गया, प्योर वेजिटेरियन खाया मैंने। 7-Eleven में जाके दूध पिया मगर वेजिटेरियन ही खाया मैंने। तो यहाँ पे मुझे वेजिटेरियन में इतना अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो मुझे खाना चाहिए। नहीं बिल्कुल, एंड फ्रैंकली मतलब देखिए मैं भी पहले नॉनवेज खाता था, मैं काफ़ी सालों से 10-15 सालों से ज़्यादा शायद हो गए होंगे कि मैं वेजिटेरियन। हाँ, गोवा में तो नॉर्मल बात है। बट इतना है ना कि वेजिटेरियन मील खाने के बाद जो फीलिंग आती है ना, दैट्स वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू आप एक नॉन वेज मील खाओ। और आइडिया ये है कि अगर आप वेजिटेरियन मील को और इनोवेट करो ना तो स्काई इज़ द लिमिट। आप मतलब वो बटर चिकन को बटर चिकन ही बना कर दे सकते हो, पर पनीर को 210 तरीकों में आप बेच सकते हो। सेम इज़ विद डेजर्ट्स, ज़रूरी नहीं है कि अंडे होने ही चाहिए। सही बात है। अगर आप अगर वो एक डिटर्मिनेशन है कि नहीं यार मैं एक वेजिटेरियन चीज़ सर्व करना चाहता ही हूँ, तो आप कैसे भी करके, जैसे इन्होंने रेसिपी ढूंढा है कि फ्लफीनेस भी आ जाए और टेस्ट भी अच्छा रहे। बहुत ही, अगर आपकी 10 ब्रांच हो ऐसी मैं दुआ करूँगा। अरे प्लीज़, और हर एक ब्रांच पर आप आइए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप दो कपल हो के क्या है वो लोगों को जानना है। हाँ, आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा था। हाँ, सो मतलब क्या क्या एग्जैक्टली जानना है? आप लोग कपल ही हो? हाँ, हम लोग कपल ही है, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है अब। अच्छा। तक तो एटलीस्ट अब तक। बट अब पॉइंट ये है कि जब ये इंडिया आए थे तो हमारा मतलब मेरी फैमिली का फूड बिजनेस पिछले 25 सालों से है। तो जब ये आए थे ना तो इनके लिए इंडिया का खाना, खासकर कि गुजरात का खाना, और मम्मी पंजाबी है मेरी। अच्छा। तो जो स्पाइसी
रहता है हमारा फूड, जो मसाला का लेवल रहता है ना वो हाई रहता है. अच्छा. सो वो खाने पर अडेप्ट करना. और उसके बाद इन्होंने एक वो बना ही दिया था कि यार एक मिशन ही बना दिया था कि मैं अगर फूड बिजनेस में जाऊँ ना तो मेरे को कुछ ऐसा ही इनोवेटिव बनाना है, कुछ अलग ही. हाँ. सो तब हमने 2016 में एक छोटी लारी से स्टार्ट करा था. शायद ये जो लारी है ना इससे भी छोटी है. अच्छा. चार फीट, एक 4 से 5 फीट का लारी था, उसमें स्टार्ट करा था. एंड मतलब इतना प्यार मिला हमको अहमदाबाद की पब्लिक से, इतना प्यार मिला ना कि हम लोग ग्रो करते गए. बट इवेंचुअली कोविड आया, लॉकडाउन आया, जिसने हमको बहुत ही मतलब सिखा दिया, एक रियलिटी चेक दे दिया, बैक फुट पर भेज दिया. और फिर अभी हमने दोबारा एक हम्बल बिगनिंग करा है. एंड भगवान की दया से अच्छा चल रहा है. एंड आई एम श्योर और अच्छा चलेगा और 10-10 ब्रांच होगी. थैंक यू सो मच. और किसी को ब्रांच लेना तो भी दे सकते हो ना. बिल्कुल. हाँ, मतलब तो भाई एनो नंबर पण આપી દો જો તમે કદાચ જોતું હોય તો ભાઈ મોસ્ટ વેલકમ. આ કરજો, ખરેખર બહુ સારો બિઝનેસ છે. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. આપણી જોડે આ ડીશ આવી ગઈ છે ભાઈ, હવે ટેસ્ટિંગ કરી લઈશું આપણે. દીપુભાઈ અને આનાથી ખાવાનું કે આનાથી ખાવાનું કંઈ સમજાતું નથી. એનાથી કાચ ખાઈએ આપણે. આનાથી કાપ. પહેલા તો જો એક વસ્તુ મને બહુ સરસ ગઈ મે ઈ છે કે ભલે તમે રોડ ઉપર કામ કરતા હોય પણ તમારે એક પ્રોફેશનલ સાથે એક 5-star બિઝનેસમાં જે લોકો જે કામ કરતા હોય એવી રીતે કામ કરતા જાઓ. જો અહીં ઘડી પહેલાં બિલ બને પછી તમારો ઓર્ડર જાય, ઓર્ડર પછી તમને એ લોકો આપે, અને આપવાની પણ રીત પણ એવી છે કે આ મારા ખ્યાલ મુજબ લગભગ છે ને ઓલી ને આપણે સોપારીની આખી એક થાળી સોપારી. હા. અને આ ચમચી પણ જોઈ લો. એટલે આ બધું કંઈક યુનિક કરશો તો જ લોકો તમને દુનિયા સલામ કરશે. હવે મારે છે ને પહેલાં તો આપણા સબસ્ક્રાઈબરને કે આ કેવું લાગે છે તમને એક્ઝેક્ટલી તમને કહી દઉં કે આનો સ્વાદ શું હોય છે. આનો સ્વાદ તમને કહું ને તો આપણે કેક આવે એના એવું નાના નાની પ્રેસ્ટી કે શું કહેવાય આપણે, હા પેસ્ટ્રી, હા પ્રેસ્ટી જેવું તમને એનો સ્વાદ આવશે. કેમ કે આ એક જ ભર છે કે ઓલું ઓવનમાં નથી બન્યું ને આ સેમા બન્યું આપણે કઢાઈમાં તવા ઉપર. અને આ છે સ્ટ્રોબેરી વાળું રેડ વેલ્વેટ. એ જોઈને બહુ મસ્ત લાગે છે ખાલી, આમ જોતા જ રહેવાનું મન થઈ જાય. બે પોતપોતાની જગ્યાએ અલગ અલગ મસ્તીનો ટેસ્ટ છે. એમાં વચ્ચે છે ચોકલેટ હતી. ક્યાં ગઈ રાજભાઈ ચોકલેટ આવી? એ લોકોએ ચોકલેટ નાખી હતી. જોઈ લેવો. અને આના ભાવ શું છે તમને સ્ક્રીન ઉપર પણ આવી જશે, અને કઈ વસ્તુ મંગાવી હતી એ પણ તમને હમણાં સ્ક્રીન ઉપર આવી જશે. આ ચોકલેટવાળું છે, આ ચોકલેટવાળું છે, અને આ છે આમાં વ્હાઈટ ચોકલેટ આવશે. તમે લીધું કે પડી ગયું? મને તો સ્ટ્રોબેરી પણ બહુ ભાવી. મારા ખ્યાલથી તમને ચોકલેટ વધારે મજા આવી. હા, અને જેને સ્વીટ થોડું ખાવું હોય તો ચોકલેટ સરસ છે. મને તો ઈજા હતી ભાઈ કંઈ નવું ખાવું, બધું ખાધું છે. આ બાકી રહી ગયું, આ પેનકેક પણ આપણે ખાઈ લીધો. મને મજા આવી ગઈ. અહીં વિડીયો અહીં પૂરો કરું, અને વિડીયો ભલે લાંબો થઈ ગયો બટ તમને બધાને મજા આવી ગઈ. તો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો કરીશ. મળીશ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. મળશું મેડે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ. નહીં મળી આ મેકરણ તેથી આ ધરતી દગ્ધી હરિઓમ તસ્વીર જે માતાજી બધું બોલ. કાલ નવા વિડીયો સાથે મળી રહ્યા તો જોવાનું ભૂલતે ને, આવી મોજ કરતા રહેજો. તમને આ બધી દેશી જ મજા કરાવશું. બરાબર ને દીપુભાઈ? બાય બાય.